किसान साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल फार्मिंग में। किसान साथियों, इस वीडियो में हम प्याज की तेजी मंदी रिपोर्ट के बारे में बात करने वाले हैं। किसान साथियों, प्याज का जो मार्केट है ना, वो हमें कितना खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। प्याज के भाव में हमें आइए आने वाले समय में और कितनी तेजी देखने को मिल सकती है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। किसान साथियों, अगर सबसे पहले बात कर लेते हैं प्याज के मार्केट की, तो किसान साथियों प्याज का जो मार्केट है वो भी हमें बहुत ही कम जो है देखने को मिल रहा है, यानी कि प्याज के भाव में हमें यहाँ पर मंदी देखने को मिल रही है। इसका क्या कारण है? किसान साथियों, अगर सबसे पहले बात कर लेते हैं कि प्याज के कौन से कारण की वजह से हमें यहाँ पर तेजी नहीं देखने को मिल रही है, तो किसान साथियों पहला कारण यह है कि मंडियों में अभी प्याज की जो आवकें हमें देखने को मिल रही हैं वो बम्पर आवकें देखने को मिल रही हैं। लगभग 1 लाख तक की हमें यहाँ पर आवकें देखने को मिल रही हैं। अगर बात करें किसान साथियों तो 80,000 कट्टों की आवकें तो हमें पिछले साल के पुराने प्याज के ही देखने को मिल रही हैं, वहीं नए प्याज की जो आवकें हैं वो 20 से 25 हज़ार कट्टों की हमें देखने को मिल रही हैं। इसी वजह से प्याज का जो भाव है किसान साथियों हमें यहाँ पर कम देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बात कर लेते हैं किसान साथियों दूसरे कारण की, तो किसान साथियों प्याज का जो दूसरा कारण है वो हमें यहाँ पर निर्यात को लेकर देखा जा सकता है, क्योंकि किसान साथियों प्याज का जो निर्यात है वो भी बंद है, जिसकी वजह से हमें प्याज के भाव में कोई यहाँ पर खास तेजी नहीं देखने को मिल रही है।